अस्सलाम वालेकुम, आपका लाहौर के मज़े में वेलकम। सो आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगेगा। माय नेम इज़ सानिया और हम शुरू करते हैं आज का फर्स्ट ब्लॉग, माय फर्स्ट ब्लॉग फॉर माय एक्सपीरियंस। सो आई होप आपको अच्छा लगेगा, देखते हैं आपको कैसा लगेगा। सो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। शुरू करते हैं हम चिकन। ये हमने चिकन पहले वॉश करके रख लिया था नमक और सिरके के अंदर, ताकि इसका ब्लड वगैरह निकल जाए, ये अच्छी तरह से साफ हो जाए। और अब हम इसको मसाला लगाएंगे। मसाला लगाने के लिए हमें पहले चाहिए, ये हम डालने लगे हैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके बाद जाएगी काली मिर्च, काली मिर्च के यहाँ 4 स्पून। उसमें ऐड करेंगे गरम मसाला 2 स्पून। इसमें हम मिर्च ऐड करेंगे, ये भी 4 स्पून। थोड़ा सा हल्दी पाउडर कलर के लिए, देखें। इसके बाद हम ऐड करेंगे टिक्का मसाला। इसमें है लेमन जूस। के बाद हम ऐड करेंगे कुटी हुई हरी मिर्च, ठीक है, 2 चम्मच। इसको हम मिक्स करने के लिए हाथ का इस्तेमाल करेंगे, चम्मच वगैरह का इस्तेमाल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ठीक से मिक्स नहीं हो पाएगा ये। जी हो गया है ये मैरिनेट, देखिए कितने अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से मैरिनेट हुआ है। ये देखिए इसके कट्स में भी है, इसलिए बोला था आपको हाथ से इसको मिक्स करें, ज़्यादा बेहतर होगा। इसको हम अब थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख देंगे और नमक थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं हसबे जायका, क्योंकि वॉश करने टाइम मैंने नमक डाला था, इसलिए बस कम ही यूज़ करेंगे। मायना कीजिएगा, पंजाबी लोग हैं, थोड़े बहुत पंजाबी बीच में चल सकती है। ये देखें ये ठीक से हो गया, इसमें नमक भी ऐड हो गया। सो अब हम आपसे मिलते हैं 2 घंटे बाद, इंशाल्लाह इसको 2 घंटे के लिए ऐसे ही रख दिया जाएगा। सो मिलते हैं आपसे, चलो बंद करो। 2 hours later ये हमने 2 घंटे के लिए रखा था, ये मैग्नेट हो गया है। अब हम आपको अगला प्रोसीजर बताते हैं। पहले हम लेंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर का 1/2 डिब्बा बहुत है इसमें, क्योंकि मेरे पास चिकन ज्यादा नहीं है। और इसमें ऐड करेंगे मैदा 1 kg। हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च जायके के लिए, ताकि इसका जो क्रिस्पी क्रंच होगा ना वो भी मजे का लगे। इसको फिर हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम साइड पर रख देंगे। हम इसमें ऐड करेंगे एग, इसमें 6 ऐड हो गए एग। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे दूध, अगर आप मटेरियल ज्यादा बनाए तो थोड़ा दूध ज्यादा इस्तेमाल कर लीजिएगा, क्योंकि फिर अंडा कम लगेगा इसको। अगर आप जस्ट अंडे ऐड करेंगे तो आपके ऐसे बहुत, यू नो, महंगाई बहुत ज्यादा, तो इस हिसाब से इसमें दूध ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये हमने ऑयल गरम होने के लिए रख दिया। पहले हम लेंगे थाई को मैदे और कॉर्नफ्लावर के अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे।
मिक्स करने के बाद इसको एग और दूध में करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने दोबारा इसको फिर इसमें करना है, मैदे में और कॉर्नफ्लावर में। इसको अच्छी तरह बना के ना इसको फिर फ्राई करने के लिए हमने डाल देना है कढ़ाई के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ हम एक लेग करेंगे, एक लेग एक थाई, उसको भी हम ऐसे ही दो दफा करेंगे। उसको लास्ट में इसको अच्छी तरह साफ करना जरूरी है। इसको डालेंगे हम कढ़ाई के अंदर। तो मैक्सिमम 5 मिनट्स हो गया, अब हम इसको पलटेंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी पक जाए। तो ये देखें इसका कलर 5 मिनट्स में कितना मजे का आ गया। इसको मैक्सिमम भी 15 मिनट हल्की आंच पे पकाना है ताकि ये अच्छे से पक जाए, बीच में से कच्चा ना रहे। अब रोस्ट हो गया रेडी, अब हम इसको निकालेंगे। तो हमने इसको कम से कम 15 मिनट पकाया। कुछ हमारे पाकिस्तान की प्रॉब्लम, 10 बजे गैस चली जाती है। गर्मियों में भी ये मसले हल ना हुए। अब हम इसको टिश्यू पे रखेंगे ताकि जो इसका थोड़ा बहुत ऑयली है वो खत्म हो जाए। देखिए गाइस ये बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है। अब ये बहुत गर्म है, सो ये देखें गाइस बहुत अच्छे तरीके से पक गया। ये देखिए इसके मसाला अंदर तक है। आई होप आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। मज़ेदार बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। ये इसका क्रिस्पी क्रंच है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसको रेसिपी का जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसे बने हैं। सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।